हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वॉचिंग मनीष लाइव। तो आज के ब्लॉग में हम एक कैनोपी में सोए हुए थे रात में, और हम हैं पुणे के लोनावाला शहर में, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, मौसम भी खूबसूरत है। तो आइए चलते हैं, इसका मज़ा लेते हैं। वाह, ग्रेट, ठंडा पानी, काफी ठंडा तो है। और यहाँ जो पीस है, जो शांति है, वो शहरों में कहाँ मिलेगी। हमारे पीछे है तो यहाँ से काफी खूबसूरत दिख रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं पुणे के लोनावाला शहर में, और ये है पवना लेक, और ये देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत। और ये है खूबसूरत नज़ारा हमारे पवना लेक का, और इतना खूबसूरत मौसम और ये नज़ारा। ये किसी मालदीव से कम नहीं लग रहा है, हालांकि मैं मालदीव गया नहीं हूँ। वहाँ पहाड़ पे बादल मटराते हुए अच्छा लग रहा है, अभी बारिश होने वाली है, पहाड़ों से बादल ऐसे टकराते हुए। हाय, क्या मौसम है, क्या नज़ारा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अमन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मनीष लाइव। तो हम आ चुके हैं लोनावाला शहर में, जो महाराष्ट्र में है, और लोनावाला शहर के बीच एक झील है, प्राकृतिक झील है, का नाम है पवना झील। और ये हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये है पुंगी फोर्ट, जहाँ पे राजा महाराजा रहते थे। तो ये है खूबसूरत इंडिया का मालदीव, ये है हमारे इंडिया का मालदीव, है ना खास और खूबसूरत। सूरज की तीखी रोशनी हमारे आँखों पे आ रही है, लेकिन ये जो नज़ारा है काफ़ी मंत्रमुग्ध करने वाला है। और इस झील में हम करने वाले हैं बोटिंग, उसका भी आपको आनंद दिलाते हैं। और आज इस मालदीव में हमारे राहुल जी नहाने जा रहे हैं। वाह, ग्रेट, ठंडा पानी, काफी ठंडा तो है। अरे वाह, राहुल को तो तैरने भी आता है, ये फायदा है स्विमिंग करने का। वेरी नाइस। वैसे साफ पानी है, वहाँ खड़ा हुए हो क्या? अच्छा, इतना है। ये है पवना झील में नहाने का मजा, आनंद की अनुभूति, सूर्य की रोशनी में मजा लेते हुए हमारे राहुल जी और मनीष लाइव। वैसे यहाँ बैठना कितना अच्छा लगता है ना, यहाँ पे कनेक्टेड है ना लोनावाला। अच्छा, पॉइंट
टाइगर पॉइंट मतलब क्या, वहाँ पे सनसेट होता है? टाइगर पॉइंट से नहीं सर, ये रहेगी ना क्या बोलते हैं, जब बारिश होगी ना हाँ, तो पूरा फॉग होता है पूरा। अच्छा अच्छा, सामने के बंदे भी नहीं दिखते। और इको बोलते ना, इको साउंड्स, वो अपने को सुनाई देता है। अच्छा टाइगर पॉइंट, ये टाइगर पॉइंट है, ये साइड रहेगा सर टाइगर, तो ये साइड है। जैसे यहाँ पे क्लाउड्स दिख रहे हैं, ऐसे लहर ऐसा है जैसे लग रहा है समंदर है। यही पानी नहीं के मिस जाता है पीने के लिए। अच्छा, इसी को पानी पीने में यूज करते हैं, फिल्टर होकर यही पानी आता है, कोना डैम का पानी। वैसे ही क्लीन तो है ही, नेचुरल वाटर है ना ये। नेचुरल मतलब क्या, बारिश से इकट्ठा होता होगा और क्या। तो ये हमारा पावना लेक, और इसमें हमने स्नान भी कर लिया और बैठ के दो चार बातें भी कर ली। तो अब बारी है हमारी बोटिंग की। बोटिंग कराएंगे ये लोग? कराएंगे ना, अभी नाश्ता करके। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद हम करेंगे बोटिंग, उसका भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। और यहाँ लग रहे से एक बिस्तर लगा दो, एसी कूलर सब फेल। रात को गर्मी हो रही थी ना अंदर? हाँ यार, मैं पसीने से भींग गया था, फिर मैंने खोला वेंटिलेशन के लिए। हाँ। पसीना पसीना हो गया था, फिर मैंने उसको आधा को 3 बजे उठा, मेरे को प्यास लगी थी बहुत। नहीं गया? हाँ, मैं देखा तुम कहाँ, मैं सोचा वॉशरूम गए होगे। नहीं, मैं फिर पानी पीने गया, वहाँ पर सामने पानी नहीं था, फिर बैक साइड गया, वहाँ पर पानी पी के आया। तो हमने यहाँ रात में एक टेंट में रात गुजारी, और रात में ऐसी लग रहा था कि काफ़ी ठंड होगा, लेकिन जैसे ही हमने टेंट के अंदर गए, सारा पसीने पसीने हो गए थे रात में। इस तरह के छोटे छोटे कैंप बने हुए हैं, इस तरह के छोटे छोटे कैंट लगे हुए हैं जहाँ पे अपने रात गुजारी थी। और ये सामने हमारा कैंट लगा हुआ है, यहाँ पे झूला है, और ये ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए, और बोटिंग की इंस्टॉलेशन हो रही है। अभी हम थे उस एरिया में, अब वहाँ से हम इस एरिया में आए हैं। पेट्रोल डाल रहे हो? ये है पावना लेक का खूबसूरत नजारा, और हम कर रहे हैं बोटिंग। ये हमारे साथ हैं मिस्टर, क्या नाम है भाई? मदन। हाँ, मदन। मदन, और मदन जी हमें पूरा नजारा दिखा रहे हैं। ये है खूबसूरत। बीच में छोड़ मत देना। हमारे पीछे है तुंगी फोर्ट, जो यहाँ से काफी खूबसूरत दिख रहा है। तो आपको बता दूं कि ये पावना लेक जो है, इसका पानी मीठा है, और इसको सारे एरिया में सप्लाई किया जाता है। इवन पुणे तक इस पानी को पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। काफ़ी बड़ी एरिया में है, और ख़ासकर बरसात के मौसम में ये पूरा एरिया फिल हो जाता है, सारा एरिया। ये पानी का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। मदन भाई, बीच में ला के डुबो मत देना।
और ये तुंगी फोर्ट है, और ये जो एरिया देख रहे हैं ये लोहागढ़ है। लोहागढ़ तिकोना फोर्ट, ये जो तिकोना फोर्ट है, और वो जो सामने एरिया में जो दिख रहा है बड़ा सा, वो है लोहागढ़। तो ये झील तीन एरियो से कवर है। इसके तीनों एरिया में राजाओं के किले बने हुए हैं, और यहाँ जो पीस है, जो शांति है, वो शहरों में कहाँ मिलेगा। असली मजा तो मदन भाई ले रहे हैं जिंदगी का। जब इंसान थक के हार जाता है तो शांति खोजता है, और वो कहाँ मिलता है, जहाँ पे नेचर होता है। और ये है प्राकृतिक का दिया हुआ खूबसूरत। ये कौन सा एरिया है भाई, मदन भाई? ऐसा गांव का एरिया, ये वाला गांव है। खंडाला इधर है, पूरा पौना डैम एरिया है। मदन भाई पूरे सुकून से हमें बोटिंग करा रहे हैं। बस डूबा मत देना। कैसा लग रहा राहुल? एकदम बढ़िया। तुम्हें तो वो स्विमिंग आती है? स्विमिंग आती है, पर इतने अंदर की तरह डरते डरते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जैकेट है कुछ नहीं, ऊपर ही रहेगा, बस मोबाइल जाएगा, और इतना महंगा कैमरा भी जाएगा। मेरा वाटर प्रूफ कि ग्लू पानी देख के जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का वो शायरी याद आता है। वो शायरी क्या था? ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। ये हमारी बोटिंग कंप्लीट हुई।